ओ ये वाली ट्रेन अपने आप ही चल रही है भाई। भाई आई थिंक सो यहाँ पर कोई ना कोई गोस्ट है भाई, यहाँ पर बुरी आत्मा का साया, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ पर। ये वाला रेलवे स्टेशन भूतिया स्टेशन है। और ये सामने क्या है? ओ शिट भाई, सामने कोई परछाई दिख रही है मुझे। ओ ये कोई भूत है क्या भाई, या फिर कोई गोस्ट है यार, क्या ये? गाइस क्या आपको पता है कि यहाँ पर हमारे सिटी का रेलवे स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है, एंड ये वाली ट्रेन रात के 12 बजे के बाद में खुद अपने आप चलने लगती है। बहुत ही डरावनी डरावनी एंड बहुत ही खराब खराब, यहाँ से रात को भूतिया आवाजें आती। और ऐसा कहा जाता है कि इस वाली ट्रेन के पास में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, उसके बाद में उसकी आत्मा यहीं पर घूम रही है एंड वही भूत बन चुकी है, एंड इस वाली ट्रेन को वही पजस करती है, एंड रात के समय में यह वाली ट्रेन अपने आप चलने लगती है। बट इसी शहर में रहता है यहाँ पर एक कालू नाम का लड़का जो कि इस वाली ट्रेन को चलाने का काम करता है, और वो एक बहुत ही गरीब लड़का है जो कि वो वाली भूतिया ट्रेन चलाकर अपना गुजारा करता है, एंड वो एक शाम को उस ट्रेन को चलाकर अपने घर की ओर आ रहा है। चलो आज तो मैं बच गया, आज मैं उस वाली भूतिया ट्रेन से बच गया भाई, आज मैं जल्दी आ गया। तो टाइम कितना हो रहा है यहाँ पर? ओके यहाँ पर 4 बज रहे हैं, एंड आज तो भाई मैं 4 बजे आ गया, तो सही बात है। अब जल्दी चलते हैं यहाँ पर घर के पास में, एंड घर पे सोते जाकर उससे पहले खाना बनाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, एंड फिर सोते हैं, एंड फिर वापस 9 बजे उठकर मुझे उस वाली भूतिया ट्रेन को वापस से चलाना पड़ेगा। बट मुझे ध्यान रखना है कि मुझे जल्दी घर पर आना है, मुझे नाइट के अंदर घर के अंदर नहीं आना है। अरे पहुंच गए घर पर यार, यहाँ पर साइकिल खड़ी करते हैं, खड़ी करने बाद अंदर चलते हैं, एंड जल्दी से खाना खाएंगे भाई और फिर सोएंगे यार। ओके 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 एक सेकंड, ये टीवी के अंदर क्या चल रहा है? ओके कोई न्यूज आ रही है, देखते हैं भाई क्या चल रहा है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पर करमचंद रेलवे स्टेशन पर 2 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। तो अगर आप भी वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर जाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, बिकॉज वो वाला रेलवे स्टेशन काफी हॉन्टेड एंड बहुत ही गोस्टलेस है। अगर वहाँ पर आप जाओगे तो आपकी मौत है। अभी तक से कुल मिलाकर वहाँ पर 600 से ज्यादा डेड बॉडीज मिल चुकी है, 700 लोगों की वहाँ पर मौतें हो चुकी है। तो मेरा कहना यही है कि वहाँ पर मत जाना। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, बट फिर भी बहुत सारे बंदे वहाँ पर रेलवे के पास में जा रहे हैं। तो भाई रेलवे के पास जाना बंद कर दीजिए, वरना आप अपनी मौत को खुद न्योता देंगे। अरे यार ये वाला रेलवे स्टेशन काफी तगड़ा लग रहा है मुझे, बट यार मेरी रोजी रोटी का सामान है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा तो फिर मैं खाऊंगा क्या? चलो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, मैं जल्दी से अपने काम को निपटा कर जल्दी से घर आ जाऊंगा। मतलब मैं नाइट नहीं करूंगा, मैं 4 बजे पहले आ जाऊंगा, मैं नाइट के 9-10 नहीं बजाऊंगा, ठीक है? तो जल्दी सोते हैं भाई एंड फिर चलते हैं भाई जल्दी। तो ये रहा मेरा बेडरूम, जल्दी सोते, मैंने खाना खा लिया है एंड मैंने ना भी लिया है, तो ये मेरा बेडरूम है, सोना पड़ेगा जल्दी से। और भाई मुझे बहुत नींद आ रही है, बिकॉज कल शाम से मैं बहुत थका हुआ हूँ और आज से मैं आराम से सोने वाला हूँ। लेट्स गो, चलो गाइस गुड नाइट, मैं सो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है, एंड भाई ये क्या भाई, ये मेरा बेडरूम तो है बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैं लेट हो चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर टाइम देखना पड़ेगा भाई, टाइम कितना हो गया है भाई, बाहर जाकर देखना पड़ेगा भाई, सूरज को देखकर भाई कितना टाइम हो गया है। ओ भाई 10 बज चुके हैं भाई, जल्दी चलना पड़ेगा मुझे, और मुझे लग रहा है कि आज तो मैं लेट हो गया हूँ भाई, बिकॉज सूरज बहुत ऊपर चला गया है, जल्दी चलना पड़ेगा मुझे। यार यहाँ पर टाइम तो हो चुका काम का, मुझे यहाँ पर जल्दी से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं जल्दी से वॉशरूम के अंदर, जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, जल्दी से यहाँ पर काम के लिए निकलते हैं भाई। ओके यहाँ पर कौन सा बैग लगाओ तुम बताओ यार, ये वाला बैग सही रहेगा? हाँ यार ये सही है। ओके मैंने यहाँ पर ना लिया एंड मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए एंड जल्दी से यहाँ पर काम के लिए निकलते हैं, बिकॉज अभी यहाँ पर मैं लेट हो चुका हूँ, एंड सामने मेरी यहाँ पर वो साइकिल खड़ी हुई है एंड उसी साइकिल को लेकर यहाँ पर निकलने वाले हैं, बिकॉज भाई बहुत लेट हो चुका हूँ, एंड ऊपर से भाई ये मेरे पास साइकिल है बहुत ही घटिया सी, इसमें जाने में बहुत टाइम लगता है, और मुझे लग रहा है कि आज तो भाई मैं 100% लेट हो चुका हूँ यहाँ पर, एंड जल्दी चलते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, एंड वहाँ से वो वाली ड्राइव करते हैं रेल को भाई, उसको लेके जाना पड़ेगा मुझे, एंड आज भाई टूर बहुत लंबा है, मुझे दूसरी कंट्री के अंदर जाना है उस वाली रेल को लेकर। ओके तो आई थिंक सो मैं यहाँ पर ट्रेन के पास में पहुंच चुका हूँ, वो देखो सामने खड़ी मेरी ट्रेन, एंड उस वाली ट्रेन को लेकर चलते हैं दूसरी कंट्री में, एंड भाई आज का जो सफर है ना वो बहुत लंबा है, मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है, मुझे जल्दी से यहाँ पर भाई जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं लेट हो सकता हूँ यार। तो आ चुका हूँ फिलहाल मैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर अपनी साइकिल खड़ा करते इस प्रकार से, चलो मैंने खड़ी कर दी साइकिल को, अब मुझे जल्दी से वो ट्रेन को लेके जाना पड़ेगा इस, ठीक है? ये देखो भाई ट्रेन खड़ी है यहाँ पर, एंड भाई ये वाली ट्रेन काफी हॉन्टेड ट्रेन है भाई, मैंने सुना है कि यार ये वाली ट्रेन तो काफी खतरनाक है, जल्दी से बैठते हैं जल्दी से निकलते हैं भाई, यार मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके बैठ चुका हूँ मैं, एंड चलो भाई इस वाली ट्रेन को लेके चलते हैं, एंड मुझे ना दूसरी कंट्री के अंदर जाना, तो भाई दूसरी कंट्री के अंदर जाकर आने में बहुत टाइम लगने वाला है मुझे। ओके तो मैंने यहाँ पर ट्रेन को तो स्टार्ट कर दिया, तो हाँ यार ट्रेन चल रही है, इस वाली ट्रेन को हम दूसरी कंट्री के अंदर लेके जाने वाले हैं, तो यहाँ पर ट्रेन जा रही है मेरी, और भाई ठीक है भाई ट्रेन जा रही है, बट मुझे जल्दी से जाकर आना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहाँ पर नाइट होती है ना फिर मैं नहीं बचने वाला। तो यहाँ पर इस वाली ट्रेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठ रहे हैं, बहुत सारी सवारी वारी बैठ रही है, तो मैंने सबको बैठा लिया, एंड भाई मैं लेके जा रहा हूँ भाई, सही है भाई। ओके
तो ट्रेन तो सही चल रही है, फ्यूल भी सही है ट्रेन के अंदर, सब कुछ सही है, बट आई थिंक सो यहाँ पर नाइट होने वाली है भाई। नाइट होने में यहाँ पर ओनली 3 ही मिनट बाकी है, तो वो नाइट होने वाली है यार भाई साहब, जिसका डर था वही हुआ भाई। यहाँ पर नाइट हो चुकी है एंड वेट भाई, यहाँ पर आवाजें किसकी आ रही है? वो भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कंचना 2 की तरह आवाज आ रही है भाई यार। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर यहाँ पर कंचना आ चुकी है क्या? वो भाई कितनी क्रीपी आवाज आ रही है। एंड भाई मैंने सुना था बट ये तो भाई रियल में यहाँ पर भूत लोग है भाई। भाई यहाँ पर गाड़ी को रोक नहीं सकता, बिकॉज ट्रेन को रोकना अलाउ नहीं है भाई। मैं क्या करूँ भाई? ओके तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ट्रेन को लेके चलना पड़ेगा ऐसे ही, बिकॉज मेरी मजबूरी है भाई। मैं यही कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। एंड इस वाली ट्रेन को मैं ओनली स्टेशन पर रोक सकता हूँ, तो मुझे ट्रेन को फास्ट करना पड़ेगा एंड जल्दी से वहाँ पर स्टेशन पर लेके चलना पड़ेगा भाई। यहाँ पर काफी क्रीपी आवाज आ रही है भाई। A few moments later. Okay, यहाँ पर 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ स्टेशन पर एंड भाई रात के 12 बज रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा यहाँ से, बिकॉज यहाँ पर रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो जल्दी से उतरते हैं यहाँ पर, जल्दी से निकलना पड़ेगा मुझे। चलो भाई भागो यहाँ से भाई, जल्दी से भाई। एंड मेरी साइकिल कहाँ पर? वो रही मेरी साइकिल भाई, भागना पड़ेगा मुझे, बिकॉज ये वाला स्टेशन रेलवे भूत स्टेशन है भाई। पीछे कौन है मेरे पीछे? कौन है? ओ ये कौन है? ओ भाई ये क्या है? ओ भूत है क्या भाई ये? ओ शूट भाई, भागो यहाँ से जल्दी से भाई। मेरी साइकिल कहाँ पर भाई? भागना पड़ेगा मुझे तो भाई, ये साइकिल खड़ी है मेरी। चलो भाई भाई यहाँ पर तो गोश्त है भाई, भागना पड़ेगा मुझे। एंड वो वाली परचाई किसकी थी भाई वहाँ पर स्टेशन पर? भागना पड़ेगा मुझे। एंड आज के बाद मैं कभी भी यहाँ पर इस वाले रेलवे पर नहीं आऊंगा, भागना पड़ेगा मुझे भाई। ओके वेट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओके अपने आप घूम रहा हूँ मैं कैसे? ओ भाई साहब अपने आप कैसे जा रहा हूँ मैं? रुक जा भाई, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई भूत ने मुझको यहाँ पर वश में कर लिया है भाई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओ शिट भाई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये वाली साइकिल खुद पर चल के जा रही है भाई। भाई वो वाला गोश्त बहुत ही पावरफुल है भाई, मैं यहाँ पर बहुत ही गलत आ गया हूँ मैं। एंड मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर? साइकिल रुक जा भाई, साइकिल रुक, साइकिल रुक ही नहीं रही मेरी। ओके ओके ये क्या हो रहा है? ओके साइकिल यहाँ पर आकर रुक चुकी है, उतर चुका हूँ नीचे में और वापस जा रहा हूँ मैं अपने। यार भाई वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ मैं? अब रुक, अब नहीं रुक रहा हूँ भाई, मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ रुकने की बट नहीं रुक रहा हूँ। ओके यहाँ पर आ चुका हूँ मैं ट्रेन के पास में, और ये ट्रेन वो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरे को मार दूंगी मैं, भूतिया ट्रेन हो, भूतिया ट्रेन। नहीं ये क्या हो रहा है? अबे रुक जा, अबे रुक, ओ रुक, ओ भाई साहब मेरे को लगी बहुत भयंकर। अरे भाई मेरा खून निकल रहा है भाई, अबे यार बचाओ मुझे भाई कोई यार। शिट ये क्या हो रहा है? ओ भाई मैं ट्रेन के आर पार निकल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है भाई? ये ट्रेन वास्तव में भूतिया ट्रेन है भाई ये। ओ शिट और लगी मेरे को बहुत तगड़ी। अरे भाई साहब ये ट्रेन तो काफी डेंजर है। ओके मैं बच गया। ओके वो ट्रेन चली गई है। ओके मैं बच गया भाई, वाह ये मैं बच गया आराम से, अभी मैं सांस ले रहा हूँ यहाँ पर रात की। चलो वो ट्रेन चली गई है पर मैं तो बच गया, मुझे भागना पड़ गया जल्दी से। मेरी साइकिल कहाँ पर है? चलो भाई चलते हैं यहाँ जल्दी से। ओह शिट भाई ये ट्रेन सामने कैसे आ गई? ये ट्रेन चली गई इतना अभी फिलहाल, ये कहाँ पर, ये कैसे आ गई यहाँ पर? ओह शिट भाई गोश्त स्टेशन है भाई ये तो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरे को मार दूंगी, अब देख मैं क्या करती हूँ। अरे तुम कौन हो और क्या चाहती हो मेरे से, मुझे जाने दो प्लीज। अबे मैं वापस से पजेस्ट हो चुका हूँ, मैं अपने आप जा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अपने आप जा रहा हूँ भाई मैं। और ये क्या हो रहा है? ओ नहीं मिस वाली ट्रेन के अंदर क्यों बैठ रहा हूँ वापस आकर यार, पागल हूँ क्या मैं यार? जल्दी से यार ये क्या हो रहा है? शुट भाई ये ट्रेन पटरी से उतर गई है, ये क्या हो रहा है? ओ ये ट्रेन जमीन के अंदर जा रही है। शुट भाई यार ये क्या हो रहा है भाई? ये गोश्त ट्रेन है भाई, बचाओ मुझे। ओ शुट भाई ये क्या है? हाँ? भाई ये क्या हो चुका है यहाँ पर खतरनाक? भाई ये तो फ्लाइंग ट्रेन बन चुकी है भाई, भाई ये तो गोश्त ट्रेन है भाई। भाई यार मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, उतारो नीचे मुझे भाई, ये क्या हो रहा है? ओह शिट भाई, अरे मैं मरने वाला हूँ भाई, जल्दी करो यार तुम भाई, पुलिस को फोन करता हूँ भाई, मेरे पास फोन भी नहीं है, मैं फोन घर पे छोड़ के आ गया हूँ फिलहाल यार। भाई नीचे मुझे उतरना पड़ेगा, मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, जल्दी से एग्जिट करता हूँ मैं। और भाई ये भाई मैं नीचे गिर रहा हूँ भाई, भाई आसमान में हूँ मैं फिलहाल में। ओ शूट ओ नीचे गिरिया में, ओए लगी भाई बहुत तेज। तो गाइस आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी बताओ कमेंट में। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है एंड अगर इसी प्रकार से स्टोरी टाइम वीडियो देखना पसंद करते हो या फिर मिथ या फिर कुछ और देखना पसंद करते हो, तो अगर आपके दिमाग में अगर कोई मिथ है तो कमेंट कर सकते हो भाई। देखो अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना है इसका नेक्स्ट पार्ट देना, कमेंट करना। एंड भाई हम जल्दी 7 को क्लोज करने वाले हैं, 7 के बहुत पास है हम, तो भाई 7 के सब्सक्राइब कराने के सब्सक्राइब कर देना जल्दी भाई। 10 के करने हैं, फिर 10 के पे खतरनाक वीडियो लेकर आऊंगा जो भाई खतरनाक वीडियो होने वाली है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भाई जरूर करना गाइस, ठीक है? चलो फिर बाय बाय।